यदि उसने हनुमान पर प्रहार किया तो चोट कहीं और लगेगी। अभी शनि का यह सत्य जानने का समय नहीं आया है ब्रह्मदेव। तो अब क्या अनर्थ हो जाएगा महादेव? अनर्थ में भी अर्थ छिपा है ब्रह्मदेव। शीघ्र ही संसार साक्षी होगा एक ऐसे युद्ध का जिसमें आमने सामने होंगे दो मित्र, दो भक्त। परंतु उस युद्ध के अंत में केवल एक शेष रहेगा। ये मेरी माता के साथ साथ मेरे मित्र और कई अन्य प्राण का प्रश्न है। चंद्रदेव से अपनी दृष्टि उठा दो। अब तो चंद्रदेव पर मेरी दृष्टि और भी वक्र होगी, क्योंकि ना केवल उसने अपने कर्म का पालन रोका है, बल्कि तुम्हें अनुचित कर्म के मार्ग पर भी डाला है हनुमान। मन इतना व्याकुल क्यों है? हनुमान शनि से भेंट करने गया है, परंतु क्यों ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के साथ कुछ अशुभ घटने वाला है? मुझे हनुमान से मिलना होगा। तुम यहाँ? हाँ माता, जल स्तर अचानक बहुत बढ़ गया है। कई बालक जल में फंसे हुए हैं, उन्हें डूबने से बचाने के लिए हनुमान है नहीं, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। चलिए ना माता, समय बहुत कम है, शीघ्र चलिए। हाँ। हे महादेव, हनुमान और शनि की रक्षा करना। मैं फिर से चेताता हूँ हनुमान, मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता, रुक जाओ। कहता हूँ चंद्रदेव को अपनी दृष्टि से मुक्त कर दो, मेरा भी प्रहार रुक जाएगा। तुम्हें जो करना है करो हनुमान, परंतु मैं अपने मार्ग पर चलने से नहीं रुकूंगा। हनुमान शनि रुक जाओ। तुम बीच में मत आओ काकोल, ये हनुमान और मेरे मध्य का प्रकरण है। और ये प्रकरण या तो तुम्हारी हार के साथ समाप्त होगा या चंद्रदेव पर से तुम्हारी दृष्टि हटने के पश्चात। सोच लो शनि, निर्णय तुम्हारा है। मैं अपना निर्णय बदलता नहीं हनुमान। तो मैं तुम्हारा मार्ग बदल दूंगा। शनि दूर रहो काकोल। यदि तुमने ये कर्म पद चुना है हनुमान, तो मैं उसका फल देने के लिए सज्ज हूँ। तुम अपनी भक्ति के लिए लड़ो और मैं अपने कर्म के लिए लड़ूंगा। अब यह युद्ध दोनों पक्ष से होगा। मैं हनुमान पर चाहकर भी पूरी शक्ति से प्रहार क्यों नहीं कर पा रहा हूं? शनि नहीं जानता कि क्यों उसका दंड प्रहार करने से झिझक रहा है।
समय आ गया कि हम हस्तक्षेप करें महादेव। नहीं नारायण, हम तीनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि शनि के दंड की झिझक का कारण क्या है। उचित यही होगा कि इन दोनों को इनका निर्णय स्वयं लेने दिया जाए। और यदि हमने नहीं रोका तो परिणाम क्या होगा महादेव? कोई नहीं जानता, क्योंकि जब युद्ध भक्ति और कर्म के मध्य होता है तो परिणाम काल के भी परे होता है। ऐसे में हम केवल मूक दर्शक बनकर परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इससे पहले ही कुछ अन्य तुझे मुझे सूर्यलोक से सहायता लानी होगी। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब संभव होगा। ये अनुचित हो रहा है। मेरी मानिए इंद्रदेव, तो इस युद्ध को रुकवाइए। कहीं कुछ अनचाहा घट गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो देवराज अपने सिंहासन का बहाना देकर आप तो बच निकलेंगे, परंतु मैं है अकारण संकट में आ पहुंचूंगा इंद्रदेव। उचित कहा, चलो चलते हैं वहां और रुकवा देते हैं युद्ध। परंतु उसके पश्चात क्या? दंड नायक शनि जब सूर्य देव की पत्नी को घोड़ी बना सकते हैं तो चंद्रदेव को क्या दंड देंगे? सोचो चंद्र, सोचो। तो मैं क्या करूं? प्रतीक्षा, बस केवल कुछ और क्षण प्रतीक्षा चंद्र। क्या? हाँ माता, शनि और हनुमान दोनों में बहुत विकराल युद्ध चल रहा है। मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हो पाया। अब आप ही कुछ कर सकती है माता, शीघ्रता कीजिए। अंततः वो पल आ गया जब मेरी दृष्टि तुम्हारा अंत देखेगी। कर्म फलदाता शनि, मेरी कोख पर प्रहार किया था ना तुमने, अब मेरा प्रतिकार पूर्ण होगा जब तुम हनुमान के पैरों तले रौंदे जाओगे। दूंगा
क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों मित्र हो और एक प्रकार से भाई भी। आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है माता, ना कोई पिता, ना कोई भाई, ना कोई संबंध और ना ही कोई प्रतिबंध। मैं केवल कर्म का सगा हूं। माता अंजनी के प्राण संकट में है, उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए मैं चंद्रदेव के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। यदि आज ऐसा मैंने किया तो कल ये एक प्रथा बन जाएगी। हर अपराधी एक निर्दोष को सामने रखकर अपने दंड से बचना चाहेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हनुमान पुत्र, तुम तो मेरी बात सुनो। क्षमा करना आचार्य, मैं आपका ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा, परंतु इस ऋण को चुकाने का समय आज नहीं। कोई ऐसा आदेश मत दे देना जिसका आज मैं अनादर कर बैठूं, क्योंकि यह प्रश्न मेरी माता के प्राणों का है जो शनि के अहंकार के कारण संकट में है। शनि, चंद्रदेव को अपनी दृष्टि से मुक्त कर दो, अन्यथा किसी को भी फल देने के योग्य नहीं रहोगे। तुमने सुना नहीं हनुमान, मैंने क्या कहा? मैंने माता की सौगंध ली है और माता की सौगंध तो मैं महादेव के कहने पे भी नहीं तोड़ सकता। महादेव, मैं और वेग से प्रहार करो हनुमान, तुम्हारा हर प्रहार मेरे हर घाव पर औषधि की भांति काम कर रहा है। हे महादेव, कुछ कीजिए, आप ये अनर्थ नहीं होने दे सकते। इनकी मित्रता में आए विघ्न को कौन दूर करेगा? हाँ,
फल मिल गया। इस शुभ मित्र समय आए अशुभ विघ्न को एक ही शक्ति हर सकती है। बहुत हो गया महादेव, इस युद्ध पर विराम लगाना आवश्यक है। नारायण उचित कह रहे हैं पिताश्री। ये युद्ध साधारण नहीं, इस ऊर्जा के तांडव में सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ओर वो है जिनमें त्रिदेव की ऊर्जा है और दूसरी ओर वो है जिनमें साक्षात महादेव का अंश है। हाँ पिताश्री, जिस दिन आपने हनुमान को अष्ट सिद्धि का पात्र स्वीकार किया था उसी दिन मैं समझ गया था कि हनुमान में कोई विशेष बात है, और शेष आपकी भुजा पर आई इस चोट ने समझा भी दिया कि जब जब शनि का वार हनुमान पर होता है तब तब पीड़ित आप होते हैं, और ये मैं होने नहीं दे सकता, क्योंकि संसार के प्रथम पूज्य के लिए पहले पूज्य आप हैं, मेरे पिता हैं। शनि अपने कर्म के लिए लड़ रहा है और हनुमान अपने धर्म के लिए, परंतु मेरा कर्म और धर्म तो विघ्न को हरना है। अब आप जाएंगे या मैं जाऊं? मुझे हस्तक्षेप करना होगा महादेव। शनि को सत्य का भान होना आवश्यक है। नारायण, आप? विषय इतना महत्वपूर्ण था कि मुझे आना पड़ा शनि। नारायण, यदि आप मुझे युद्ध रोकने का आदेश देने आए हैं तो मैं आदेश देने नहीं शनि, संदेश देने आया। आदेश दे? तुम्हें हनुमान पर प्रहार नहीं करना चाहिए शनि। परंतु नारायण, ये भी तो मुझे युद्ध ना करने का आदेश ही हुआ ना। मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता शनि, बस इतना जान लो कि त्रेता युग में मेरा एक अवतार मर्यादा स्थापना के लिए जन्म लेना है, और हनुमान उस प्रयोजन में मेरी सहायता के लिए सृजित हुआ है। इसका भान तो मुझे प्रारब्ध से ही था कि हनुमान का सृजन संसार में किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है, परंतु अब त्रिदेव ने मुझे एक प्रयोजन सौंपा है जिसमें हनुमान बाधा बनना चाहता है, तो आप ही बताइए नारायण, मैं अपना कर्म क्यों ना करूं? तुम्हें ज्ञात नहीं शनि, हनुमान केवल मेरे प्रयोजन में सहायक ही नहीं, वो किसी का अंश और किसी का स्वरूप। क्या?
किसका नारायण? हनुमान महादेव का अंश है शनि। तो हनुमान अभी ये सत्य जानने के लिए सज्ज नहीं, उसे अपने साक्षात्कार के लिए अभी लंबी यात्रा करना शेष। अब चयन तुम्हें करना है कि हनुमान अपनी यात्रा पूरी कर पाएगा या नहीं। हनुमान महादेव का अंश है शनि।